रिचार्ज करना पड़ेगा पहले। कौन सा रिचार्ज? तुम्हारा सब्सक्राइब करने के लिए? अच्छा, दूसरे लोग का सब्सक्राइब कर दोगे, दूसरे लोग का वीडियो देखोगे, वो बात नहीं है। मेरा वीडियो, ये बहुत गलत बात है मुनावे। और वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। आज है 1 अगस्त एंड मैं जा रहा हूँ मुनावे से मिलने, और कुछ प्लानिंग्स हैं वो सब हम करेंगे और आप लोग को वो सब चीज़ें दिखाते हैं। टिल दैट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। और कुछ इंटरेस्टिंग होता है आज तो आप लोग को ऑब्वियसली होने वाला है, देखते हैं। क्या प्यार है सही में, खड़ा हो गया। अब वो मेरे को नहीं छोड़ेगा, खाएगा खाएगा तो एक पैक दूध पैके दूंगा फिर बुला के। प्लेट अच्छी कम भाई, प्लेट अच्छी, प्लास्टिक प्लेट पीछे अच्छी कम भाई। अरे डॉग फूड दे दो, खाई वो खाओगे दोनों से पेपर ना खाई उसे जा रे, वो एक पैकेट लेके आ जा, जा लेके आ जा जल्दी। तो अभी शाम होने को आया है तो मैंने विश कर दिया अपनी तरफ से कि गुड इवनिंग। सो आई होप कि आप लोग भी विश बैक करोगे, तो नहीं वो आपकी मर्जी, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स। अभी जा रहे हैं हेलमेट खरीदने के लिए, वो भी मुनावाई के भांजी के लिए, मुनावाई के भांजी के लिए हेलमेट लेने चल रहे हैं। एंड कुछ मार्केटिंग चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। वैसे मैं देखा दिखा नहीं पाया, भी बहुत सारे खरीदना है। यानी अभी तक तो सिर्फ चूना लगाया, कुछ 50,000 का चूना अभी तक लगाया हूँ मैं अपने आप को, देखते हैं शाम तक को कितना लगा देता हूँ। हम लोग खाएंगे दोनों मिलके अभी, हाँ वो भी है, खाएंगे जाके खाना कुछ खाएंगे, उसके बाद लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई डू एक्सपेक्टिंग कुछ और मस्ती हो। उसका सारे का चीज का खरीदना है, ड्रेस वगैरह, ड्रेस वगैरह भी खरीदना है, सही बात, वो सब चीज़ें भी होंगी और कुछ और चीज़ें इंटरेस्टिंग आप लोग को दिखाते हैं। टिल दैट टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ द अपडेट्स। आएंगे चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हेलमेट लेने, लेट्स सी कौन सा हेलमेट लेते हैं। देखिए डब्ल्यू बनदुर्गा काइनेटिक वर्ल्ड, ये मुनावे का पहचान के इंसान है, शायद इसीलिए यहाँ पे लाए हैं। वैसे तो मैं दूसरा दिखाया था, बट आई होप कि यहाँ पे कुछ अच्छा डील मिल जाए। टिल दैट स्टे ट्यून, अगर कुछ फाइनल होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या अल्टीमेट सीन है भाई, हेलमेट दे दो, कितने सारे हेलमेट्स, लवली। तो आ गए हम हेलमेट खरीदने, लेट्स सी कौन सा हेलमेट पसंद आता है और कौन सा हम लेके जाते हैं। तो एज यू सी हम लोग आ गए हैं 300 ए प्लॉट में, वो ये बानीवियर में, बानीवियर में है, ब्रांड फैक्ट्री है, फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन बहुत किफायती और बहुत अच्छे चीजें मिलते हैं, लाइक वो अभी है, लेट्स सी। एंड हम लोग चलते हैं, मुना भाई ने मेरे को बोला कि चल भाई तेरे को मैं एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां से तू काफी कुछ उठा सकता है। सो या हियर, लेट्स सी, होप द बेस्ट कि हम कुछ अच्छे चीजें उठा सकें। एंड चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, आई होप काफी कुछ ले सकें यहाँ से, मानना पड़ेगा चीज़ें तो हैं भाई, ये सब चीज़ें इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो वो प्राइस में तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज गुड थिंग हैपेंड कि हम यहाँ पे आए, मैं कुछ चीज़ें तो उठाऊंगा ज़रूर, उठाने के बाद आपको दिखाता हूँ। टिल दैट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड देखो यार, सही है भाई सही है, टी शर्ट्स वगैरह है, काफी कुछ चीजें हैं यार। मैं क्वालिटी में तो बहुत ही अच्छा है यार, पिक नहीं कर पाएगा। 250 में 400 अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्राइस में तो ये मिलता है ना चीजें, 250 में
काफी अच्छा है, चीजें उठाएंगे इनसे, बहुत अच्छी चीजें मिलेगा, सब ब्रांड का। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ मैं, वर्दी है, बहुत वर्दी है। सही में भाई साहब, इफ आई टोल्ड यू दिस इज फॉर 400, नोबडी कैन बिलीव, बट द थिंग इज दिस कि ये 400 रुपए में मिल रहा है एंड द क्वालिटी इज सुपर्ब। आई जस्ट लॉस्ट सम ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि अगर बाहर जाके खरीदोगे तो समथिंग अराउंड 2000-2500, बट कॉपी प्रोडक्ट है मानता हूँ, लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छी है। सो मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, लेकिन इज जस्ट दैट कि द प्रोडक्ट इज सुपर्ब, दैट्स व्हाट द रीजन आई वॉज हियर। एंड कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ, चीज़ें तो उठाएंगे भाई यहाँ से। हाफ पेंट दिखाओ, हाफ पेंट कुछ दिखाओ, ये मैं पतला कपड़ा था पारा सूट। हाँ हाँ, ये लाइक रहा, कितने में आता है ये कितने में आता है? 450 यार, बहुत ही अच्छा चीज मिल रहा है। और कुछ दिखा, हाफ पैंट्स वगैरह 250। सो दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर 250। आई जस्ट स्पीचलेस, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट ये चीजें अगर 200-400 में मिल रही हैं तो हम लोग लेना चाहिए। सो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अभी टेंजेंट कैफे एंड रेस्टोरेंट, और आप लोग देख ही सकते हो अभी हम जा रहे हैं पूछने के लिए, अगर कुछ हो तो खाएंगे जरूर। सो या हियर एंड आप लोग देख ही सकते हो हम लोग खाने आ गए हैं इधर, अगर होगा तो हम कुछ खा के ही जाएंगे इधर, एंड आई होप कि कुछ मिले हमें। काफ़ी अच्छा सिटिंग है, पता नहीं था खुला होगा, बहुत प्यारा है जगह, तो बहुत प्यारा है, द लाइटिंग सिस्टम इज टोटली सुपर। टेंजेंट है रेस्टोरेंट का नाम, एंड जैसा नाम वैसे सजावट भी है, एंड द क्राफ्ट इज सुपर। आई डोंट बिलीव कि मैं इस तरह, एज यू सी मुन्ना भाई मेरे को परोसते हुए, एंड ये हमारा मशरूम 65, कुछ ऑनियंस एंड उसके साथ कुछ ये स्पाइसी चटनी है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे प्याज तो बोल ही दिया हूँ, और ये है लच्छा पराठा हम खाने वाले हैं। यार भूख लग रहा है, सुबह से नहीं खाए हम, समझ रहे हो, एंड भूखे कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं और सुबह से नहीं खाए हैं। और मुन्ना भाई तो पूरा अभी कच्चा यानी पराठा जो लच्छा पराठा है उसको कच्चा खा रहे हैं, बहुत मज़ा लग रहा है, मज़ा लग रहा है। सेम है यार, क्या बोलूँ, यानी सेम है, इतना यानी भूखे थे कि अब तो भाई खाना ही है, अब नहीं रुकना है, अब जैसे भी हो खाना था, कुछ भी हो नहीं, यानी क्रेव हो गया था, हम कब खाएंगे कब खाएंगे कब खाएंगे, सुबह से काम काम काम, पहले तो लैपटॉप लेने गए, काम के चक्कर में फंस गए मिथुन, हाँ मिथुन भाई का लैपटॉप लेने गए, उसके बाद मोबाइल का कवर चेंज हुआ और मोबाइल का ट्रांसपेरेंट ग्लास चेंज हुआ, एक बॉक्स देख रहे थे JBL का, वो भी खरीदने के टाइम पे मुन्ना ने एडवाइस किया कि अभी मत खरीद, अगर 15 में खरीदेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, तो वो अच्छा बात हुआ। एंड हम आ गए टेंजेंट रेस्टोरेंट में, काफ़ी अच्छा सजावट है इनका। ये हमारे शेख भैया आपका नाम बताइए भैया, अनिल, कितना यानी कब से बना रहे हो आप इस रेस्टोरेंट में? जी सर, एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है सर फ्रॉम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, आई हैव डन माय BHM कोर्स, ओके, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट 4 इयर्स, वाओ, जावेद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, यू डन हियर नो, ओके, दिस इज अ रेस्टोरेंट सर, नो नो, आई एम फ्रॉम, एक्चुअली आई एम बेसिकली अबाउट द कोर्स, आई एम आस्किंग जस्ट, आई एम बेसिकली फ्रॉम पुरी सर, ओके, सो आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट कोर्स, ओके, फ्रॉम जावेद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट 4 इयर्स बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, देन आफ्टर आई हैव 7 इयर एक्सपीरियंस इन 7 स्टेट एंड आल्सो आई वर्क एट ITC ग्रुप ऑफ होटल्स। Wow, that's an incredible job. That's an incredible. I mean, I don't have any kind of idea also ki somebody like you presenting some kind of a hotel in yes, this sir. point of a area. I mean, I don't have any kind of idea. Koji, this ki being in a hotelier from ITC,
is a big, I mean, big thing. It's just actually, like, even also recently also I was working in like before Corona in Fortune Park Sismo, that is a part of member IT's hotel group. So then after the Corona pandemic has came, so also we, I and my team, few guys, we have decided that why not we'll start our own business. Okay. So our first motto was that satisfaction is our prime consideration. Yeah, very good. If we will start a business, then we will provide the same kind of service what we were doing in IT's hotel. Wow, जैसे that's a good message, by the way. जैसे कि हम ITC में guest को सर नमस्ते आइए बैठिए, जैसे कि अभी आपने the way you showed the gesture of namaste, yes, it gives me a glimpse of Taj Hotel. Cause before I having some kind of experience in past times, and I having some kind of goosebumps in my corner that man, this is something very classically done. I mean, nobody can in this world can done such kind of a thing in this point of a time. Yes. And it's already time is left. I mean, this is not the right time to, I mean, give some of the foods or give some of the things, but you are very professional. No, look, sir, I am cooperating when my customer is happy. Yeah. Because today, if I am here, then that is just because of my customer support. Yeah. If I will not provide you the good service or good food, then you will never come at here again. So, I would like to ask you anything, I mean, a small question. Anything you want my subscriber to, I mean, listen, and anything you want to inspire my subscribers by your messages or by your definitely struggle days? Sir, even I would like to request them who have also started their own business. This is the message, not for me, for every person, every young generation, because now the time, the Corona pandemic, we learn a lot from them. That if you will not be careful, if you will not maintain the safeness, then we are being in trouble. People have lost the job, people have lost the money also, the saving. So people have survived to life now. Many people, they also got the life also, they have not given a chance to save their life also. Many people, like Corona pandemic has came, like million of people also. Even in this pandemic kind of time, so everybody is struggling to even having some kind of a one meal food. Yes. If a customer is coming, so in this time everyone is health conscious. So we are, that is our motto, that we will provide the good food with hygienic and quality of service to our customers. Now I can see it. I feel proud to come here, and actually I would like to thank Munawai who let me know about this hotel, and he said that I'll take you to some place where the food quality will be on top notch. Yes, and I saw that Also, you are now a guest, so you also please share your feedback. So how you will recommend this food? I would like to give them 4 out of 5 stars. We have also 4.8 rating, okay, out of 5 in our Google also. Okay. So that we have not tied up with any Zomato or Swiggy. Really? Yes, sir. Because we want to do the our affordable core services to customers, sir. Okay. So this is chili chicken. So this is chili chicken, by yes, the way. And because yeah, Master Chef, we have still also, we are not tied up with the Zomato Swiggy, because we are not depending on anyone. Because we know if we will provide the good service to our customer, good satisfying service, then definitely they will come here again. So how are you maintaining your business in this point of time? Because in this case, there is less chances of business in this point of Corona pandemic. So, I mean, what's your goal? I mean, what's your future goals? I just want to know. I'm very curious. Cause is this key? Listen, sir. First, my goal is, sir, to taking care of my staff first. Yes. I have taken them like as my brother. My staff. I arrange them for room. I arrange them for bed. I arrange them like vaccine. Everything I arrange for them. Wow. First, if they are safe, then they will provide us the good food. If they are not safe, then you will also not come here. Yeah, so obvious point. And so first, they have to be safe. Actually, this is a very good quality, because before I heard same line from a very big entrepreneur like Ratan Tata in a video, and it was like fabulous to hear such kind of a kind. So as you see, मैं काफ़ी सारे bites ले चुका हूँ, but आप लोगों के लिए एक bite ले रहा हूँ, and the taste is like 5 out of 5. I mean, eating from a person like ITC Hotelier, जो कि खुद एक मास्टर शेफ है, ITC में थे वो, जॉब छोड़ के पैंडमिक की वजह से वो आके खुद अपना होटल करके और अपना स्टाफ लोगों को सर्व कर रहे हैं, और स्टाफ लोगों को आगे लेने की एक सोच जो उन्होंने बताया, अभी मैं आपको वो वीडियो भी लिंक दे दूँगा. It's like fabulous, and I was like very thankful कि मैं यहाँ पे हूँ और आज खाने का मौका मिल रहा है. I should thank to मुना भाई की जो ऐसे प्लेस को लेके आए. I would like to request मुना भाई की ऐसे और प्लेसेस को लेके जाओ यार, मैं
I'll be thankful to you, and even I'll be grateful to you. So keep signing, keep loving, and keep supporting to the Tangent Restaurant. क्योंकि टैंजेंट रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे खाने दे रहा है. यू शुड विजिट, यू शुड मस्ट हैव एन विजिट टुवर्ड्स दिस होटल. टिल दैट टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव. देयर इज नथिंग मोर टू शो यू, एंड मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, एंड इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा. दैट्स व्हाट द रीज़न कि मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ. काफ़ी कुछ था और काफ़ी कुछ मैं एडिट करके छोटा मोटा करके दिखाया हूँ आपको, एंड आई होप कि बाय एनी एक्सटेंट आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या आप लोग सपोर्ट करते रहिए. मैं ऐसे और चीज़ें और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालता रहूँगा. काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट के, यानी सपोर्ट जब मिल रहा है, लाइक धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर ग्रो होने लग गए हैं. I would like to give a big thanks to you guys. I mean, because of you guys only I'm growing day by day. And agar aap aise hi karte rahenge, that I'll be like grateful to you. And I'll grow as an blogger. And usse zyada main kuch nahi chahta. And that's so till that, lots of love from my side. Keep loving, keep supporting. And hatred dur rakho aur pyar badhate jalo yaar. Aur kya chahiye zindagi mein. Till that, keep inspire others and do good thing, do good for some. क्या मैं बोल रहा हूँ, आज fumble हो रहा है थोड़ा बहुत. I was little emotional the way you guys are supporting me. So yeah, so keep inspiring and do whatever you do. Do good for your parents, do good for your parents' parents if happen. And प्यार बांटते रहो. Till that, lots of love. See ya in my next vlog.